हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि VLC मीडिया प्लेयर को यूज करके, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे VLC मीडिया प्लेयर है, इसकी सहायता से हम कैसे YouTube के कोई भी वीडियोस को हम डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube के किसी भी वीडियोस को VLC मीडिया के द्वारा जो हम डालना सिखाएंगे, तो कैसे करना है इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। 5 4 3 2 1 0। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है। आप जिस भी वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली उस वीडियो को आपको प्ले कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से इसको वीडियोस को प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो ओपन होने वाला है, जैसे हमारा ये वीडियो ओपन हो चुका है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपको पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में ऑप्शन में आपको इस वीडियो का URL दिया गया है, सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको जो है VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने ये VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नेट ओपन नेटवर्क स्ट्रीम का, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस पे पहले वाला जो लिंक दिया इसको डिलीट कर देना है। इस पे राइट क्लिक करके अपने लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्ले पर क्लिक कर देंगे। प्ले पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर में कुछ ही सेकंडों में जो स्टार्ट हो जाएगा, चलना शुरू, प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं हमारा वीडियो जो प्ले होने वाला है, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, देखेंगे कि हमारा वीडियो जो है इसमें प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा ये वीडियो प्ले होना शुरू हो चुका है तो सिंपली आप इसको पॉज कर देंगे। यहाँ से पॉज करने के बाद यहाँ टूल वाला ऑप्शन पर आना है। टूल में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कोडेक इन्फॉर्मेशन, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक URL कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लिंक दिया गया है, सिंपली इस लिंक को क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे Ctrl+A से। इसे सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको अपने ब्राउजर में आना है और नया टैब को ओपन यहाँ से कर देंगे। नया टैब ओपन करने के बाद इस पर लिंक को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट एंड गो का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा वीडियो प्ले होना शुरू हो जाए तो इसको पॉज कर देते हैं। पॉज करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 3 डॉट का, 3 डॉट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है डाउनलोड स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हमारा ये वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। हम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, मैंने दो बार क्लिक कर दिया था इसलिए ये वीडियो दो बार डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ हमारा ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड होने के बाद मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को वेट कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये कितना स्पीड से डाउनलोड हो रहा है, चूंकि ये वीडियो मात्र 32 सेकेंड्स का है इसलिए थोड़ा फास्ट भी लोड हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करने का मैं इसको प्ले करके भी बताऊंगा। जैसे यहाँ से मैं इस ब्राउजर को YouTube के वीडियोज को क्लोज कर देता हूँ और हमारा ये वीडियो डाउनलोड होने वाला है, वो इसको डाउनलोड होने देते हैं और देखेंगे कि हमारा वीडियो जो है प्ले होने लगेगा। ये मैंने तो 32 सेकंड का वीडियो डाउनलोड किया है। आप चाहे तो किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो कोई मूवी डाउनलोड करे तो भी आप VLC मीडिया प्लेयर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क का स्पीड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है, सिंपली हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ शो इन फोल्डर करते हैं तो हमारा ये वीडियो जहाँ भी होगा वहाँ शो कर जाएगा। जैसे ये हमारा ये वीडियो शो कर गया तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसमें प्ले पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्ले पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो को VLC मीडिया का सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारे वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।